रोजगार इसने नहीं दिया, किनको नहीं दिया? मुसलमान है, हमारे पास रोजगार की कमी नहीं। 1000 उंगलियों पर रोजगार गिनाएंगे, हमारा नुकसान कौन है भाई? नुकसान तो जैका है वो सोचे, हमारा नुकसान नहीं कौन की तरफ। बीजेपी का नुकसान से मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मेरे घर की सारी वोटें बीजेपी को जाएंगी। फायदा उठाने के लिए कुछ नुकसान तो झेलना पड़ेगा है? अब तक राम मंदिर बनवाओ रहा है, अब एक राम मंदिर का फायदा मिल गया तो यार अगर बछवा खेत खा रहे हैं तो नुकसान का है? उन्होंने तो गाय माता ही, तो उनके उन्होंने मसारी बाप चाहिए। आज से नहीं, 80 साल पुरान पार्टी, जब से पूरा पार्टी आज सबको जानते कि पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है, हर आदमी जानता है। फिर काहे गांड मरवा लिन जाए कि कोई मां वोट दे दिन जाए, काहे मरवाए? मतलब जानते सब कुछ है, सब जानत रहे, सब जानत रहे, तब काहे वोट दिन? खाली काहे खा दिन 370 हटे, राम मंदिर बने। अरे अपन भला नहीं था, हम प्रधान को चुनित तो अपने गलियारा खातिन के चुनित है, अपने गाँव के विकास के लिए चुनित है। तुम खाली राम मंदिर खातिन को वोट दियो है, 370 धारा खातिन को वोट दियो है, मुसलमान कटवन का पाकिस्तान भेजे खातिन को वोट दियो, तो दियो तो झेलो। इसी विधानसभा के हैं आप जी? हाँ। क्या नाम है आपका? रहमत अली। रहमत अली जी, इस बार चुनाव आने वाला है, योगी जी का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है, तो रायबरेली की जनता इस बार क्या मूड बना रही है? रायबरेली की जनता तो क्या मूड बना रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मूड जो है वो है बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। आप बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? लोग कह रहे हैं कि किसान नाराज है बीजेपी। जो कह रहा हूँ चूतिया है। अच्छा, बिल्कुल। तो बीजेपी ने काम अच्छे किए? बीजेपी ने सारा काम, कौन काम नहीं किया बीजेपी ने बताइए? किसानों को 2000 रुपए वो दे रही हर 3 महीने में, महीने में 2 बार राशन दे रही है, कॉलोनी पेल के आ रही है, लैट्रीन घर घर बन गई है, ये मतलब आम पब्लिक की बात है। दूसरी बात, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान का आज तक मेरा इससे कोई नुकसान ही नहीं हुआ इस गवर्नमेंट से, समझो, जिसका नुकसान हुआ वो सोचे। फायदा हुआ आपके सरकार? बिल्कुल, मेरा इस फायदा तो है इससे। देखिए, योगी जी आए, गाय बछड़ा कटना बंद कर दिया। गाय बछड़ा कौन खाता था? मुसलमान खाता था, उसके वो सस्ता मिलता था, 100-125 रुपये किलो, महीने में 4-5 मरतबा खाते थे, 150 का लाते थे, 150 का मसाला लगता था, 1000-1200 महीने में बचने के लगा लग गए कि नहीं? मतलब चाचा देखे लोग बच रहे हैं, खा रहे हैं, जिसके खा रहे हैं वो जाने, उसका काम जाने, हमारा खेत है ही नहीं भाई, हमारे खेत में है ही नहीं, तो हमको क्या तकलीफ है? फायदा तो मेरा है, रोजगार इसने नहीं दिया, किनको नहीं दिया? मुसलमान है, हमारे पास रोजगार की कमी नहीं। 1000 उंगलियों पर रोजगार गिनाएंगे, अरे हमारे बच्चे अगर तैयार हुए साइकिल के पंचर बनाओ लगा लगा दिन, और थोड़ा तक की करें अंडा बना खोल, अंडा की दुकान खोल दिन, और वो करें वेल्डिंग की दुकान खोल दिन, मोटरसाइकिल के, हर रोजगार के क्षेत्र में मुसलमान की लड़का, थोड़ा तरक्की करें बम्बई दिल्ली भाग गए, और तरक्की करें सऊदी कुवैत भाग गए। चाहते हैं कि मुसलमान का लड़का भी आईएएस बीसीएस और जज बने? शिक्षा नहीं होती मुसलमान का लड़का, शिक्षित नहीं। आप नहीं चाहते कि मुसलमान का लड़का जो शिक्षित है उनका नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमका फायदा, हमारा नुकसान कौन है भाई? नुकसान तो जैका है वो सोचे, हमारा नुकसान नहीं कौन की तरफ? बीजेपी का से मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मेरे घर की सारी वोटें बीजेपी को जाएंगी, समझे? फायदा उठाने के लिए कुछ नुकसान तो झेलना पड़ेगा है? अब तक राम मंदिर बनवाओ रहा है, अब एक राम मंदिर का फायदा मिल गया तो यार अगर बछवा खेत खा रहे हैं तो नुकसान का है? उन्होंने तो गाय माता ही, तो उनके मसारी बाप चाहिए कहू भाई? वो खेत को कहाँ खा जी हैं, जब घर से खेत दियो तो कहाँ खा जी हैं? मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अंदर से आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर से कुछ और कह रहे हैं। हम कहे तो नुकसान कहीं का है, हमार नहीं, मेरा नुकसान नहीं, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ बीजेपी को वोट देंगे। इस वजह से क्योंकि नुकसान आपका नहीं, नुकसान कभी कभी ऐसा होता है किसी की खुशी को देख करके हमको दुख होता है, और कभी कभी ऐसा होता है किसी के दुख को देख करके मुझे खुशी हो रही, आज इनके दुख को देख करके मुझे खुशी हो रही है। इनके दुख को देख जो परेशान है, गाय बछड़ा जो परेशान हुए, ख्यातन से परेशान हुए, नौकरी नहीं मिल रही उनसे परेशान है, इस सब चीजों से जो को परेशान है, आज हमका खुशी मिल रही है। कहीं ना कहीं ये लोग उन्होंने बीजेपी को वोट किया था, बनाया था, वोट दिया था बीजेपी को, ये आज से नहीं, 80 साल पुरान पार्टी, जब से पूरा पार्टी आज सबको जानते कि पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है, हर आदमी जानता है। फिर काहे गांड मरवा लिन जाए कि कोई मां वोट दे दिन जाए, काहे मरवाए? आप जानते सब कुछ है, सब जानत रहे, सब जानत रहे, तब काहे वोट दिन? खाली काहे खा दिन 370 हटे, राम मंदिर बने। अरे अपन भला नहीं था, हम प्रधान को चुनित तो अपने गलियारा खातिन के चुनित है, अपने गांव के विकास के लिए चुनित है,
है, हम अपन विकास के लिए देखी थे, कहूँ विधायक अगर बनाता हूँ तो देखता हूँ कि हमारा विधायक हमारे क्षेत्र में काम करेगा कि नहीं करेगा, तब उसको हम वोट देते हैं। तुम खाली राम मंदिर खातिर को वोट दियो है, 370 धारा खातिर को वोट दियो है, मुसलमान के कटवन का पाकिस्तान भेजे खातिर को वोट दियो, तो दियो तो झेलो झेलो। हमार कहूँ के उकात हो, हमका एक पाकिस्तान का हसनगंज से बछावा भेज कर देख लिए, जब तक इनके दिमाग में आए कीड़ा, इनके वो करी कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक हम वोट भाग पक दे। चाचा ने एक बड़ी बात कर दी कि जब तक आम पब्लिक को नहीं लगेगा कि जो सरकार कर रही है, इनके दुख से हमका खुशी मिल रही, बस हम इतना जान रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आम पब्लिक जब दुखी होगी तो कहीं ना कहीं सहानुभूति तो यार सहानुभूति का है कि सहानुभूति हुई, सहानुभूति जब वोट देख टाइम नहीं करी है कि कटवन का पाकिस्तान भेजना है, यो सब करना है, यो सब करना, तो उनके सहानुभूति नहीं तो हमका कहे सहानुभूति भाई, वो तो बदला है आजकल। इस वजह से आम पब्लिक परेशान है, बीजेपी को बीजेपी की गवर्नमेंट रहे यूपी में और केंद्र में दोनों जहाँ रहे, बस अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। अरे देखिए वो खाली हर मीटिंग में चिल्लाते हैं मुसलमान मुसलमान, लेकिन कौन का कर दिन, एक आदमी मां ब्लीचिंग सब कहूँ होती है तो मां ब्लीचिंग हिंदुओं मारे जात, मुसलमान नहीं मारे जात, कि सब कहूँ मुसलमान खाली मारे जात, वो तो हो जाता है, समझ गयो। पाकिस्तान में बिरयानी मोदी खा जात का है कि दुश्मनी है, तालिबान का सबसे पहले हुई गवर्नमेंट का वो अधीन है तो काहे के दुश्मनी है मुसलमान उनसे, वो तो राजनीति है, वोट लेने के लिए इनका चूतिया बना रहे हैं, पंचे वोट दे वही पंचे वोट दे रहे हैं, हम खुद बिल्कुल रहे सब वैसन, जब तक इनके सबके गाड़ न फट जाए जब तक हम वोट दे पक्का। हाँ कटोरा लेके रोड पर बैठे तब हम फिर सुकून मिले। आपको लग रहा है कि सरकार में लोग कटोरा लेके रोड पे बैठे पक्का बैठ जी है, एक पंचवर्षीय योजना हो राजा कटोरा लेके नहीं, कटोरों न मिली हुई स्टील का कपड़ा बिछाई है, हाँ भीख मांगे खातिन का, जैसे मंदिरन पर बैठ रहा ना कपड़ा बिछा वैसन बिछाई है, खाली 5-6 साल का और आ जाए बस। वैसे भी आ गए उत्तर प्रदेश, वैसी आके बहुत अच्छा भा, कम से कम भाजपा जिता तो दे है, ये कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत बहुत बढ़िया भा, जो उन कुछ मुसलमान दूसरी पार्टी में जाए वाले वो ऐसी करती चले जाए, भाजपा जीता तो देखा अच्छा भा, हमको बहुत बेहतर दिल से चाहते भाजपा हम दिल से नहीं सबका शहीद की बीजेपी बने गवर्नमेंट, मेरा कोई नुकसान नहीं समझो, जो नुकसान हुआ था आम पब्लिक को हो रहा तो मैं एक आधा थोड़ा बहुत हमारा होगा यार, जहाँ सौ नुकसान इनके तो एक आधे हमारे होगा तो कौन फर्क पड़े है भाई, कौन फर्क पड़े है तो बिल्कुल झाल कैदे झाल है। तो हम लोग इस समय रायबरेली में हैं, एक काम राम नरेश विधायक यहाँ के हैं, इतने आदमी ने बता दे कोनो एक काम करवाई हुए, एक है यहाँ भाजपा के आदमी बहुत हुई है, इतने भाजपा के आदमी बहुत हुई है, लेकिन कोनो भाजपा निकल के आके बता दे कि एक काम करवाई हुए, पहचान मारो गोली गाँव है आवे चाहे ना आवे, एक काम खाली एक विकास का काम बचाओ विधानसभा में बता दिए, बीजेपी विधायक है योगी मोदी के नाम, काहे वोट दो भाई काहे वोट दो, एक बचाओ का, और रामलाल अकेला के अंगूरी पर ना ना लड़का गिना दे का काम करी नहीं तो वही का है रहा, इनको फिर से मिल गया अगर टिकट तो क्या करेंगे कहीं का, हम बीजेपी को वोट दे, हम हमारे जिद है बीजेपी को वोट दे, रामलाल अकेला का वोट हम अगली बार नहीं देना, लेकिन बीजेपी को वोट हम फिर दे, हम खाली बीजेपी को वोट देंगे, कटोरा लेकर के आए बस कपड़ा लेके डाले, हाँ, कपड़ा डाल के बिछावे, हम बीजेपी ई लिए वोट दे, अब बीजेपी हमारा कोई पार्टी ना है। तो चाचा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है कि जो जनता को चाहिए था जिसलिए बीजेपी उसने वोट किया था वो तो दे दिया उन्होंने वोट, तो अब जनता अगर परेशान है तो थोड़ा वो झेलना चाहिए है ना, बिल्कुल झेलना चाहिए। इनका पर्सनल व्यू ये है कि इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, रोजगार भी मिला हुआ है और कह रहे हैं कि हमारी बचत भी हो जाती है जो बछड़े उछड़े नहीं कट रहे हैं, क्योंकि जो महीने 1,500-1,500 रुपया गोश्त खाई तो बचा कि नहीं बचा, 2,000 रुपया महीना बचेगा कि नहीं बचेगा, वह बहुत हुआ यार यहाँ पे, हम इस समय मुसलमान रहे हमारे छोट भाई को उन्होंने को तो खाते रहे तो उनका बचा 3-4 हजार रुपया महीना, कटअप बंद होगा, बिकअप बंद होगा, खाप बंद होगा, मसाला तेल सब कुछ बंद, कहीं ना कहीं जमे पैसा, तो वो पैसा वो बच रहा हो तो वो तो कहीं ना कहीं मतलब लग रहा कोने जुगाड़ से। बात तो कुल मिला के कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाचा कह रहे हैं दिल से चाहते हैं कि बीजेपी ना आए, लेकिन इन्होंने इनका जो एक हिसाब से दिल से हम चाहे थे बीजेपी आई, या बार ना कहो दिल से नहीं चाहिए, हम दिल से चाहे थे कि बीजेपी आवे, हमका गवर्नमेंट बीजेपी पसंद है, ये बात पक्की समझ लो, देश का नुकसान हो अगर होगा तो देश का नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, सब मर जाए, पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाए, समझ गयो, लेकिन बीजेपी आवे कुल मिला के चाहे देश चाहे जहाँ चला जाए, अगर अंग्रेजन से ज्यादा खतरनाक पोजीशन पर तो आज ऐसा है तो अब इससे ज्यादा कहाँ जाए, कहाँ जाए भाई, देश कहाँ चला जाएगा, अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक पोजीशन पे है तो अब इससे ज्यादा कहीं जा नहीं सकता, ज्यादा
चीन वाले कब्जा कर ले या कहू कब्जा करी तो वही इतना राखी जैसे अंग्रेज आ करते हैं वैसे रखिए हम मौज करब फिर। अरे गुलामी हम करब उनके मौज करेंगे मतलब गुलामी करेंगे उनके बीजेपी गुलामी कर रहे हैं मौज ना आए तो जिंदगी कटी जिंदगी तो कटेगी जिंदगी काटना चाहता है हर आदमी स्वतंत्र होना चाहता है स्वतंत्र कौ हुआ नहीं चाहता स्वतंत्र अगर होना चाहता तो ये कुल्हाड़ी अपने पैरों पे कतई न मारते बीजेपी को सरकार बना। हाँ अगर स्वतंत्र होना चाहते कांग्रेस ने क्या बुरा किया यार 1947 के बाद देश जब से आजाद हुआ है कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान में था क्या ये बताइए पेशाब करने के लिए जगह नहीं थी समझो सुई नहीं थी। कांग्रेस की देन है कि हर गांव में लाइट हर गांव में हर नहर हर गांव में सब सारी सुविधाएं हर अस्पताल हर जगह कांग्रेस की देन है। इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ टुकड़ा करवा के अमेरिका का तलवन पर रखती रही चीन वीन उनके आगे कुछ रहबे नहीं भाई या इंदिरा गांधी की हैसियत आ रही राजीव गांधी कंप्यूटर मोबाइल राजीव गांधी की देन आज जो आज अमेरिका से हम बात कर रहे हैं इनके कौन बात करीन का करीन फिर खालिक नहीं सोचिन बैलाए गए सारे सब वोट दिनू नहीं इनका है पगलिया गए कांग्रेस मक्कार रही कांग्रेस लूट ली देश है कांग्रेस देश लूट ली कहाँ लूट के लेके गए इलाहाबाद में लूट लेके चले गए कहाँ चले गए है और फिर सब जगह वोट दिन तो अब कुछ फायदा के लिए अगर तुमने वोट दिया है तो नुकसान उठाओ बस साफ बात है हम ये जानते हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं चाचा चाह रहे हैं कि तुमने दिया है तो नुकसान हो रहा कोई बात नहीं हम भी वोट देंगे। हम इस समय है रायबरेली में और रायबरेली का जो इलाका है बसरावा है कई लोग जुड़ गए इनसे भी राय लेते हैं।